चिलवादल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर स्थित हेयर टेल वृद्धाश्रम में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में आश्रम के मैनेजर अनुराग पांडे को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह आश्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है और पिछले 1.5 साल से चल रहा है। अभी अगस्त में ही इसकी जाँच की गई थी और सब कुछ ठीक पाया गया था। इस वृद्धाश्रम का संचालन लखनऊ निवास LL मौर्या करते हैं। संचालक के मुताबिक आश्रम में 63 बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनकी संख्या 45 बताई है। बुजुर्गों की संख्या में अंतर भी जांच का विषय है। आपको बता दें कि बैलीपा क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी के पिता की मौत 1 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद वह 3 महीने पहले मोहरीपुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहाँ गई थी। मौसी की बेटी ने ही उसे वृद्धाश्रम में रसोईया का काम दिलाया था। इसके बाद से वह वृद्धाश्रम में ही रह रही थी। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को किशोरी खाना बनाने और खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसके बाद नौसर निवासी वृद्धाश्रम का मैनेजर अनुराग पांडे पहुंचा। अनुराग ने उसके कमरे में घुसकर मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। मैनेजर ने धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला और वृद्धाश्रम से बाहर गई तो जान से मार देगा। गुरुवार को मौसी का बेटा जब उनसे मिलने गया तो किशोरी ने आपबीती बताई। इसके बाद मौसी के बेटे की मदद से वह पुलिस के पास पहुंची। SSP शलभ माथुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। जी दवाएं हैं आपकी? ये एक पीड़िता के द्वारा जो है दुराचार की घटना का अभियोग पंजीकृत कराया गया चिलवाताल थाने में। इस संदर्भ में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता के द्वारा घटना के दिनांक 13 तारीख बताया गया। कल जब सूचना दी गई इसके ऊपर मौके पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। साक्ष्य संकलन मेडिकल 164 सब चीज़ों के बाद जो बताया गया है अभियुक्त उनके विरुद्ध गुण दोष के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।